हेलो दोस्तों, कैसे हो? आइए बनाते हैं आज यूपी स्टाइल में खमन, वो भी चावल के आटे का। अगर आपके पास ना मिक्सर हो तो आप चावल को और चने की दाल को भिगार कर पीस कर तब आप बनाइए, दरदरा पीस कर। बट मैं ना अभी ले रही हूँ यहाँ पे मिर्चा, और एक बाउल मैंने लिया है चावल का दरदरा आटा, और ये मैंने लिया है आधा बाउल मैंने लिया है बेसन, यानी पाँच पूरा मिला के बड़ा चम्मच से 5 चम्मच है बेसन, यहाँ चने चने का दाल का बेसन है। और यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें मैं पेस्ट बनाऊंगी खमन का, और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। यहाँ पे मैंने देखिए हाथ आधा मतलब 5 चम्मच बेसन लिया है, ये चने का दाल का है, और एक बाउल यानी कि एक प्लेट भर के, एक बाउल समझ लीजिए कटोरी या कप जो भी हो, वो भर के मैंने दरदरा आटा लिया है चावल का। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, हरा मिर्चा डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, और आप ना इनो डालो। अगर आप चावल सूखे चावल को मतलब पाउडर जो रोटी बनाते हो ना आटा चावल का, तो इनो ही डालना। और यहाँ पे दही, दही आपको ज़रूर से ज़रूर डालना है अगर है तो, नहीं है तो आप नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं दही को मैं पहले से अच्छे से फेंट लेती हूँ, और फेंटने के बाद फिर इसको मतलब अच्छे से जब मेल्ट हो गया तो फिर मैं डाल दे रही हूँ चावल के आटे के ऊपर। अब ना यहाँ पे मुझे इनो की जगह, क्योंकि मेरा दरदरा है तो मैं बेकिंग पाउडर डाल दूंगी। यहाँ पे देखिए अजंता का मैं डाली हूँ येलो पाउडर, यानी कि येलो फूड कलर है। आप हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा डाल दीजिए, मैंने भी डाला। और यहाँ पे फिर मैं डाल दे रही हूँ अभी जितना मैंने लिया है चावल का आटा और बेसन, उसका डबल यानी कि डेढ़ा, मतलब एक कटोरी चावल का आटा है और आधा कटोरी बेसन ना, तो इसमें डेढ़ कटोरी लगभग पूरा पानी गया जिस बर्तन से मैंने लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इसको मतलब लम्स ना आने पाए ऐसे खूब अच्छे से आप अच्छे से मतलब फेंट लीजिए, मिला दीजिए तो गुठलियाँ ना पड़े ताकि। तो यहाँ पे फिर मैं बताई थी ना ट्राईपोड मेरे पास तो नहीं है, मैं हाथ से ही सारा करती हूँ, अकेले ही सारा करती हूँ, तो मुझे दिक्कत होती है। मैं एक डब्बे के ऊपर ऐसे रख के मोबाइल थोड़ी सी मतलब एडजस्ट करना पड़ता है दोस्त, तो प्लीज़ आप लोग ना समझो मजबूरी। यहाँ पे मैं देखिए बेकिंग पाउडर मैं डाल दी हूँ, वो भी आधा चम्मच नहीं, एक लगभग बड़े वाले चम्मच से आधा चम्मच है, छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच है। तो इसको ना लास्ट में मतलब आपको डाल के, और फिर इसको 5 मिनट के लिए आपको रख देना है और फेंट देना है, और इसी में डाल देना है बेकिंग पाउडर के ऊपर ही नींबू, नींबू का छिड़काव। अगर नींबू नहीं है ना तो इनो ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा खट्टा मीठा होने के लिए शक्कर, शक्कर यानी चीनी, चीनी। और आपके पास वाई खट्टापन मतलब, तो ये देखिए मेरा ये पेस्ट तैयार हो गया है खमन का, और मैं इसको ढक के 5 मिनट 2-3 मिनट जितना आपके पास टाइम हो, और अगर आपको सूजी हो ना आपके पास तो 2-4 चम्मच सूजी भी डाल दीजिए और फ्लफी बनता है। अब ये देखिए बैटर मैं डाल दी हूँ अपने कटोरी मतलब ऐसे टोप करके रखी हूँ ना, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, इसीलिए मुझे थोड़ा सा कट करके ऐसे मैंने टोपा में पानी रखा है, और पानी रखने के बाद ना उसमें रखा है एक कटोरी, ये देखिए आप, और इंडक्शन पे मैंने रखा है, उसके ऊपर एक कटोरी रख के फिर मैंने भगोने में ऐसे पेस्ट डाल दिया है। और डालने के बाद उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा डेकोरेट करने के लिए मैंने ऐसे नमकीन डाल दिया है, जो भी आप कुरकुरे नमकीन जो भी पसंद करते हो तो उस तरीके से आप डाल दीजिए। इसको ढक के मुझे 15 से 20 मिनट तक पकाना है, पहले तेज आंच में फिर स्लो आंच में। ये देखिए मेरा पक चुका है, और इसको कैसे आपको पता चलेगा कि ये पक चुका है? केक हो या कोई ऐसी बफ़ वाली चीज़ हो ना, जैसे स्टीम करने वाली चीज़, तो आपको ना आपको कैसे पता चलेगा वो, उसमें ना आप चाकू डालकर या टूथपेस्ट मतलब कुछ भी ऐसे डालकर अंदर एक बार चेक करिए कि लग नहीं रहा है उसमें, तो समझ लीजिए आपका पक चुका है। ये देखिए मैं चम्मच डाल रही हूँ, बिल्कुल मेरा एकदम चम्मच साफ निकल आया है, मतलब ये मेरा पक चुका है।
और यहाँ पे देखिए बिल्कुल मेरा पक चुका है। अब पकने के बाद फिर मैं इसको बंद कर दे रही हूँ इंडक्शन, और अब ना इसको मैं रखूँगी ठंडा होने के लिए। बड़ी सावधानी से इसको निकालिएगा, क्योंकि भाप ना जलने से ज़्यादा भाप हाथ में लग जाते। मेरे हाथ में भाप लग गया और मेरे को बहुत ही मतलब दिक्कत हो रही थी, तो मेरे को ध्यान आया। अब देखिए ये मैंने टोपा में कटोरी थोड़ी सी मेरी पानी 1.5 गिलास लगभग मैंने पानी डाला था, मेरा पसा एग्जॉर्ब हो गया था, और अब मैंने इसको अलग कर लिया है। अब थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। अभी ये देखिए दोस्तों, किनारा किनारा आपको ना चाकू की मदद से या चम्मच की मदद से जो भी, अब इसको अच्छे से छुड़ा दीजिए। अब एक थाली में देखिए मैंने कुछ नहीं लगाया, ऑयल ऑयल नहीं लगाया है, ऐसे डायरेक्ट उसको पलट लेना है, क्योंकि ना चावल काटा बड़े गट्ठे होते हैं ना, ये बड़ी जल्दी छूट जाते हैं। और दोस्तों आप लोग ना मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट किया करिए, मुझे अच्छा लगेगा। लाइक तो ये आप सबकी मतलब मेरी भी आदत होती है ना, आप समझ रही हूँ आप सबकी भी यही आदत होगी कैसे फटफट देखकर हटा देना, लेकिन प्लीज़ ध्यान दिया करिए, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर होते हैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, और ख़ास करके लेडीज मतलब अपने हस्बैंड बच्चे पूरी फैमिली से कितना कितना कंप्रोमाइज़ करते हैं तब जाके एक वीडियो तैयार होता है। वो तो जो करते हैं उनको पता है। ये देखिए मेरा कितना मोटा कितना फ्लफी बना हुआ है, और अपना इसको ऐसे मतलब ठंडा होने के बाद ही निकालिएगा। और यहाँ पे मैं अब इसको इंतज़ार करूँगी ठंडा होने का, और इसका चलिए तैयार करते हैं तड़का। फिर इसके इसको ना आप अच्छे से कट कर दो, और ऐसे चाकू की ही मदद से बर्फ़ी आकार या गोला जो भी आपको शेप पसंद हो ऐसे कट कर दीजिए। और कट करने के बाद ना ये देखिए एकदम कितनी आसानी से कितना स्पॉन्जी कट रहा है, और ऐसे अच्छे से कट हो जाएगा ना, तो फिर आप इसको तड़का लगाएंगे। मतलब खा तो ऐसे भी सकते हो, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी था, बट ना आप तड़का लगा दोगे तो, और ये देखिए गजब की मेरी बर्फ़ी निकली है खमन की। तो आपको दूसरा दिखा देती हूँ तो कितना प्यारा लग रहा है, तो है ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसका तड़का तैयार करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो कभी ना ये सब भी यूज मतलब कर सकते हो। क्या होता है ना, हमारे घर बच्चे होते हैं तो चावल रोटी आटे ये सब मतलब बनी चीज़ें तो खाएंगे, बट रोटी चावल से नखरे करते हैं। देखिए मैं छत से नीचे उतर रही हूँ, और ये पता है किचन तो नीचे होता है, छत पे तो है नहीं, लेकिन जा के करना होता है। उजाली की वजह से अंदर लाइट इन्वर्टर प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो छत पे जाके करना होता है। यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और तेल ये मेरा शुद्ध राई घर का है। और यहाँ पे तड़के के लिए मैंने लिया है सरसों ब्लैक वाला, और हरा मिर्चा लाल मिर्चा, और यहाँ पे लिया है चने का दाल थोड़ा सा, उड़द का दाल इतना मतलब आधा आधा चम्मच, और एक चम्मच भर के मैंने सरसों का काले दाने लिए हैं, और यहाँ पे करी पत्ता ढेर सारा डाल दिया है। अब चाहे तो इसमें आप एक चम्मच शक्कर आधा चम्मच नमक डालकर नींबू डालकर और पानी एक ग्लास डाल दीजिए, उसके ऊपर डाल दीजिए, वो खमन जैसे हो जाएगा। बट ना मैं फ्राई कर रही हूँ इसको इसी तड़के में, तो इससे ना सूखा सूखा बिल्कुल नहीं लगेगा। आप ना इसमें चाट मसाला या पाव भाजी मसाला जो भी पसंद हो आपके पास, जो भी अवेलेबल हो, जो भी पसंद हो बच्चों को, वो आप डाल के खिला सकते हो। तो दोस्तों है ना देखिए कितनी गजब की बनने वाली चीज़। तो इस तरीके की अगर आप ना कभी कभी ट्राई करके बनाएंगे ना, तो आपका मतलब सामान भी यूज हो जाएगा और बच्चों को अच्छा भी लगेगा। टिफिन में, लंच में, सुबह नाश्ते में, शाम को नाश्ते में आप बना के खा सकते हो, तो बहुत ही गजब की होती है ये। तो रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ बताइएगा, और कमेंट करिएगा कि और क्या देखना है ना। क्या होता है ना, आप लोग जो भी होते हैं जो भी देखते हैं तो वो ना भगवान के रूप होते हैं, तो उनको मतलब एक राह दिखाते हैं, तो ऐसे कोई अपने मन से क्या कितना बनाएगा, लेकिन जब कमेंट आता है तो उसी के आधार पे हमारे हम लोग का रास्ता थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर और मिर्चा लहसुन का चटनी और ये सॉस के साथ सर्व किया है। आप नारियल चटनी या सिंगदाना चटनी का भी यूज कर सकते हो, मतलब वो उससे बेस्ट होता है। ये तो ऑप्शनल है, आपको जो पसंद हो ये
ये देखिए मेरा खमन बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। और खाएं खिलाएं, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है तो माफ़ करिएगा, क्योंकि वीडियो में कोशिश करती हूँ बहुत छोटा शॉर्ट डालती हूँ, बट ना कितना भी शॉर्ट डाल लूँ तो तकलीफ़ होता है कि तब जब मैं बहुत 3-4 मिनट की वीडियो डालती हूँ और व्यूज़ नहीं आते और लाइक नहीं आते, तो कभी कभी ऐसे रेसिपी लंबे हो जाते हैं तो मेरे को लगता है इसमें तो एक भी नहीं आएंगे। बट कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपने काम को मुकाम देने के लिए लगे रहो, खड़े रहो, जाता क्या है अपना। और मेहनत तो हर काम में होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और नाव से डर के कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आपसे बात करती हूँ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, थैंक यू।